जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सितंबर के राशिफल की। सितंबर के राशिफल में मेष राशि के सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और मेष राशि के राशिफल में आपकी मैरिड लाइफ, आपके प्रेम संबंध, आपके पारिवारिक जीवन, धन, कैरियर और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मेष राशि वालों का सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए पहले ग्रहों की गोचर स्थिति जान लेते हैं। सूर्य 15 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, फिर कन्या राशि में रहेंगे और मंगल 6 सितंबर तक सिंह राशि में, फिर कन्या राशि में रहेंगे। बुध कन्या राशि में 22 सितंबर तक रहेंगे, फिर तुला राशि में रहेंगे और गुरुदेव 14 सितंबर तक कुंभ राशि में और 15 सितंबर से मकर राशि में रहेंगे। शुक्र कन्या राशि में 6 सितंबर तक फिर तुला में रहेंगे और शनि मकर में रहेंगे, राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो चलिए पहले प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं, उसके बाद पूरी कुंडली की चर्चा करेंगे गोचर के हिसाब से। तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि 15 सितंबर तक सिंह राशि में, यानी अपनी ही राशि में हैं और 6 सितंबर तक मंगल भी उनके साथ में ही हैं और शनि और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है। गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है 14 सितंबर तक। उसके बाद गुरुदेव मकर राशि में चले जाएंगे और दशम भाव है मकर राशि, शनि के साथ हो जाएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर हो जाएगी और अभी सप्तम दृष्टि 14 सितंबर तक पंचम भाव पर रहेगी। तो इस समय आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, इस समय प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको अहम से बचना होगा, बात विवाद हो सकता है क्योंकि सूर्य मंगल पंचम भाव में हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस समय आपको टकराव से बचना होगा, टकराव हो सकता है। लेकिन जो सिंगल लोग हैं, बुध तृतीय हैं और बुध तृतीय होके कन्या राशि में हैं, यानी आपके छठे भाव में हैं 22 सितंबर तक और उसके बाद तुला राशि में जाएंगे और शुक्र आपके सप्तमेश हैं और 6 सितंबर से तुला राशि में रहेंगे। तो अगर जो लोग सिंगल हैं तो उनको इस समय अपना साथी मिल सकता है, लेकिन याद रहे इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये रिश्ता आपका लंबा चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पहले तो सूर्य और मंगल आपके पंचम भाव में हैं, उसके बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे। 16 सितंबर से सूर्य चले जाएंगे और 6 सितंबर से मंगल चले जाएंगे। तो इस समय थोड़ा इस महीने ऐसा ही रहने वाला है। तो कोई भी साथी हो, कोई भी उससे मित्रता करें, कोई प्रपोज करें या कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करें तो जांच परख कर करें, ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है। और मेष राशि के जातकों के लिए महीना प्रेम संबंधों की दृष्टि से अप एंड डाउन दिखाने वाला महीना है। महीने की शुरुआत में थोड़ा सा प्रेम संबंधों में वाद विवाद संभव है। सूर्यदेव और मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में हैं, तो ये जो युति है प्रेम संबंधों के लिए, जब वाद विवाद बढ़ा सकती है, रिश्ते में टकराव की स्थिति बढ़ सकती है और ये टकराव की स्थिति अगर आप संयम से काम ना लें तो ज़्यादा भी बढ़ सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम पर है और सप्तम पर भी है, तो उस हिसाब से फिर भी ठीक है, मैं समस्या सुलझ जाएगी। किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना लें और मैरिड लाइफ के लिए महीना थोड़ा अच्छा रहेगा, खासकर 14 सितंबर तक जब गुरुदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो और पंचम भाव पर होगी तो और दूसरे भाव पर होगी तो परिवार और उसके लिए समय अच्छा रहेगा। और 6 सितंबर से शुक्र ही तुला राशि में आ जाएंगे तो फिर तो समय वैवाहिक लोगों के लिए अच्छा ही जाएगा। जिन लोगों के संबंध विवाह से अलग संबंध हैं उनके भी बात विवाह संभव है, उनका भी पूरा महीना सामान्य जाने की स्थिति नहीं है क्योंकि 12वें भाव के स्वामी गुरुदेव एकादश भाव में हैं 14 सितंबर तक। तो 15 सितंबर से उनके लिए अच्छा समय हो जाएगा
14 सितंबर तक थोड़ा वाद विवाद की संभावना रहेगी, और जिनका पहले से कोई प्रेम संबंध था और बातचीत नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत चल रही थी, तो उनके लिए समय इस महीने थोड़ा मिला जुला परिणाम वाला रहेगा। उनके लिए इस महीने का आखिरी हफ्ता ठीक रहेगा, 22 सितंबर के बाद आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, तो आपकी बात बन सकती है और दोबारा से संबंधों में आ सकते हैं। अब आपके वैवाहिक संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, मित्रता के लिए वो कौन सी तीन राशियां हैं जो आपके लिए ज़्यादा लकी रहेंगी, तो वो राशियां हैं आपकी सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो इन पर ये राशिफल ज़्यादा लागू नहीं होगा, मतलब इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके संबंध अच्छे ही रहेंगे और महीना पूरा अच्छे से गुजर जाएगा, कोई वाद विवाद की संभावना बहुत कम ही होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में राहु का गोचर है और अष्टम भाव में केतु का गोचर है और चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि पूरे महीने सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम रहेंगे, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला रहेगा। तो और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि भी है, तो राहु और दूसरे भाव में राहु की मौजूदगी है तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कलह हो सकती है। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और अगर पहले से कोई बीमारी है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इस समय उनकी बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए माता के पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें और भाई बहनों से भी आपके संबंधों को ध्यान रखना होगा, वरना फिर विवाद हो सकता है। संयम और धैर्य से काम करना होगा, नहीं तो ज़्यादा बात बिगड़ सकती है और गलत फहमियाँ और विवाद दूर रखने ज़्यादा आवश्यक होंगे और घर परिवार का माहौल फिर से अच्छा हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। चलिए कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। गोचर के हिसाब से पहले प्रथम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल 6 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और फिर कन्या में रहेंगे, तो मंगल के गोचर के परिणाम सूर्य के साथ रहेंगे तब भी आपको ठीक ठाक परिणाम देंगे, लेकिन ज़्यादा समय कन्या राशि में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, तो गोचर के परिणाम यहाँ पर अच्छे होते हैं। बेशक वो अपनी शत्रु राशि में हैं पर छठे भाव में हैं तो परिणाम अच्छे देंगे। आपके ऋण रोग शत्रु का भाव है तो अगर कोई कर्जा वगैरह है या कुछ भी लिया हुआ है तो इस समय पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका लोन अगर लेना है तो लोन मिल सकता है, कर्जा उतर सकता है, कोई बीमारी आपको पहले से है तो वो उसमें थोड़ा आराम मिलेगा और शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं जो कि कन्या राशि में 6 सितंबर तक रहेंगे छठे भाव में और फिर तुला राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा धन के मामले में 6 सितंबर तक थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है, उसके बाद जब वो तुला राशि में जाएंगे तो आपको व्यापार कारोबार में भी लाभ होगा और धन के मामले में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अपनी राशि में ही होंगे और आपकी राशि को भी दृष्टि देंगे। तीसरे भाव की बात करें तृतीय बुध हैं, मिथुन राशि है और बुध कन्या राशि में अपनी ही राशि में 22 सितंबर तक हैं, फिर तुला में हैं, तो मिले जुले परिणाम रहेंगे, लेकिन जब 22 सितंबर तक छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, मित्रों से विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा है, सभी राशियों में गोचर करेंगे तो मिले जुले परिणाम देंगे, भूमि है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे इस महीने। पांचवें भाव की बात करें तो पांचवें भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं, 15 सितंबर तक सूर्य यहीं पर हैं और उसके बाद फिर वो कन्या राशि में जाएंगे, तो शिक्षा के मामले में आप अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे, ज़्यादा मेहनत से शिक्षा में मेहनत करेंगे और सफलता भी मिलेगी, तो 15 सितंबर तक सूर्य यहाँ पर हैं तो ज़्यादा अच्छे परिणाम रहेंगे और उसके बाद भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 15 सितंबर के बाद भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल छठे भाव में होंगे तो आप अच्छे से कंपटीशन में बैठ पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। और अगर कोई सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अगर अच्छे से मेहनत करें तो आप सफलता प्राप्त भी कर सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि 22 सितंबर तक यहीं पर हैं और फिर तुला में रहेंगे, तो आपको ऋण रोग शत्रु का भाव है तो आपको इस समय पर
शत्रु ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे, और कोई बीमारी है तो उसमें भी आराम मिलेगी, लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और कोई लोन वगैरह लेना है या लिया है, लेन देन से बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा इस समय पर। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, और सप्तम भाव में तुला राशि है, और जो शुक्र हैं वो कन्या में छेदक हैं, 6 सितंबर से यहीं पर रहेंगे, सप्तम भाव में ही रहेंगे। व्यापार कारोबार में वृद्धि करेंगे, जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और सप्तम भाव व्यापार कारोबार का भाव है, व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ सही समय बिताएंगे, सही तालमेल रहेगा आपका, ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास व्यापारी पार्टनर से भी संबंध अच्छे होंगे। अष्टम भाव में मंगल हैं, और मंगल हैं स्वामी, आपके राशि स्वामी भी हैं, वृश्चिक राशि है, और मंगल छठे भाव में रहेंगे 6 सितंबर से, तो मंगल छठे भाव में रहेंगे तो अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। मंगल के छठे भाव में गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे अष्टम भाव के तो। लेकिन फिर भी अचानक हानि और लाभ के योग बने रहेंगे, किसी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं रिसर्च आदि कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। नवम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि आपके एकादश भाव में हैं 14 सितंबर तक, और फिर 15 सितंबर से आपके दसम भाव में हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, किसी यात्रा पे जा सकते हैं, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म में मन लगेगा, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, तो इस तरह के आपके परिणाम रहेंगे नवम भाव के। और दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं, और अपनी ही राशि में हैं पूरे महीने, तो व्यापार कारोबार में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी, ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट अपनाने की आवश्यकता नहीं है, वरना शनिदेव नुकसान भी दे सकते हैं। और जो लोग नौकरी पेशा के लोग हैं उनको भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा, इस समय उनके लिए सितंबर का महीना, इस समय उनको बहुत से प्रशंसा मिल सकती है, सहयोगियों के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा, और अगर वो ईमानदारी से कार्य करते हैं तो उनको पदोन्नति वगैरह भी संभव है। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव के स्वामी भी शनि हैं, और अपने से 12वें यानी दसम भाव में हैं, तो व्यापार कारोबार में लाभ रहेगा, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के बड़े भाई बहनों से संबंध थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं, और आय के मामले में थोड़े खर्चे भी हो सकते हैं, उनसे 12वां भाव है, लेकिन फिर भी व्यापार कारोबार और आय को मिलाकर अच्छा ही रहेगा एकादश भाव का परिणाम भी। और द्वादश भाव 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति 14 सितंबर तक अपने से 12वें भाव में हैं, एकादश भाव में हैं, तो खर्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आय में कमी कर सकते हैं, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, कोई हानि भी हो सकती है, अगर विदेश से कोई जुड़ा कारोबार है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, विदेश की कोई यात्रा का प्लान भी हो सकता है। और जब 15 सितंबर से दसम में चले जाएंगे तो 12वें से लगभग 12वें से देखें तो एकादश भाव हो जाता है, तो उस समय पर आपको अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा काम है, विदेश से कोई जुड़ा कारोबार है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी भी खर्चे से बजट बनाकर चलना होगा, वरना ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं और हानि भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह का गोचर के परिणाम रहेंगे मेष राशि वालों के सितंबर के महीने के। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर बांटें, और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उससे फिट भी रहेंगे और सूर्य भगवान की कृपा भी बने रहेगी, और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इनमें से कोशिश करें कि सारे उपाय ना कर सकें तो कुछ उपाय अवश्य कर लें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मेष राशि वालों का सितंबर महीने के राशिफल की कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।